हाय फ्रेंड्स, मैं कुसुम सिंह आज आपको मेथी का साग बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस मेथी को मैंने कट कर लिया है धोकर। अब इसके अंदर मैं 4 ग्लास पानी डालूंगी कुकर के अंदर। फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर डालूंगी कुकर के अंदर साग को। हाफ स्पून सॉल्ट डालूंगी। अब मैं इसको बंद कर दूंगी कुकर को। डियर फ्रेंड्स, अब मैं इस कुकर के अंदर 5 सीटियां लगाऊंगी। डियर फ्रेंड्स, 5 सीटियां आ चुकी हैं साग के अंदर। 1 कटोरी गेहूं का आटा अब मैं इससे आलन लगाऊंगी सब्जी के अंदर, साग के अंदर। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल लेंगे। फ्रेंड्स, गैस बंद करके इसको डालेंगे आटे को इसके अंदर और इस तरीके से चलाते रहें। डियर फ्रेंड्स, अब सीटी बंद नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही किसी प्लेट से ढककर आधा घंटे के लिए पकाना है इस तरीके से। मिर्च डालूंगी अब, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून ड्राई मैंगो पाउडर आमचूर, 1 स्पून ड्राई कोरिएंडर पाउडर मिक्स कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। डियर फ्रेंड्स, सरसों का ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर जीरा डालूंगी। जीरा भुन चुका है, मैं इसके अंदर लहसुन डालूंगी, प्याज। डियर फ्रेंड्स, अनियंस लहसुन भुन चुके हैं, अब मैं 1 कटोरी टमाटर डालूंगी, टमाटो प्यूरी। 1 कटोरी उली मटर डालूंगी। डियर फ्रेंड्स, साग के अंदर हल्दी नहीं डालते, हल्दी जैसा साग हो जाता है फिर वो हरा साग नहीं लगता। अब हींग डालूंगी, साग डाल दूंगी उसके अंदर। वन स्पून हरी मिर्च। डियर फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बना है ये वाला मेथी का साग। डियर फ्रेंड्स, इसे आप मक्का बाजरे की रोटियों के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा। और आप इसे गेहूं की रोटियों के साथ भी खा सकते हो और किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है साग की, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स डियर फ्रेंड्स।